नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे अपवाद के बारे में, यानी कि धातु और अधातु में क्या क्या अपवाद हैं, और उसके बाद हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। अब अपवाद की बात करने से पहले एक सवाल को देख लेते हैं। सवाल ये है कि क्या केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं? आपको जान के शायद हैरानी हो, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? ऐसी क्या परेशानी है जिससे हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते? दरअसल परेशानी ये है कि जो धातु हैं और अधातु हैं, उनमें कई अपवाद हैं। अब सवाल ये है कि ये अपवाद क्या क्या हैं? तो चलिए इन अपवाद के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। सबसे पहला अपवाद है, जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु मरकरी जो कि एक धातु है उसकी बात करें तो वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो धातु हैं वो ठोस होते हैं, परंतु मरकरी एक धातु है जो कि एक द्रव है, तो ये एक अपवाद है। मरकरी ही नहीं, इसके अलावा कुछ और धातु भी हैं, जैसे कि गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक भी बहुत कम होता है। कमरे के तापमान पर तो ये ठोस होते हैं, पर अगर आप इन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से बात करें तो आयोडीन जो कि एक अधातु है, चमकीला होता है। अब हमने जाना था कि जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं और अधातु में कोई चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तीसरा अपवाद है, जैसा कि हम जानते हैं, जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, परंतु क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये भी कोई धातु के गुण तो नहीं है, परंतु ये क्षारीय धातु धातु तो होते हैं, तो ये भी एक अपवाद है। कार्बन की बात करें तो ये थोड़ा अनोखा तत्व है। ये अनोखा क्यों है, इसके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है और इसके सभी रूपों को अवरूप कहते हैं। इसका एक अवरूप है ग्रेफाइट, ये हमारी पेंसिल्स के अंदर होता है। ग्रेफाइट के गुणधर्मों की बात करें तो इसका पहला गुणधर्म है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। जबकि कार्बन एक अधातु है, फिर भी इसका एक अवरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये मुलायम होता है। अब आप देख सकते हैं, इसका पहला गुणधर्म धातुओं जैसा है और दूसरा गुणधर्म अधातुओं जैसा। इसका दूसरा अवरूप है हीरा। हीरे की गुणधर्म की बात करें तो ये प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व होता है। फिर से अगर हम अधातुओं की बात करें तो उन्हें मुलायम होना चाहिए, और हीरा तो प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। इसका दूसरा गुणधर्म है कि ये बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, और तीसरा गुणधर्म है कि ये विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पहले दो गुणधर्म धातुओं जैसे हैं और तीसरा गुणधर्म अधातुओं जैसा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। तो सवाल ये है कि फिर किस आधार पर धातुओं और अधातुओं को वर्गीकृत करना चाहिए? तत्वों को अगर उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो वो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो अब धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म है क्या, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं जानते हुए धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन किया जाता है। तो इसका जवाब है कि लगभग जितनी भी धातुएं हैं वो दहन करने पर ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं और अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है, धातु
जब दहन किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब कॉपर को हम दहन करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है जो कि काले रंग का होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी धातुओं और अधातुओं में अपवाद के बारे में, जहां हमने जाना कि किस तरीके से मरकरी धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। वहीं जो आयोडीन होता है उसमें चमक होती है जबकि वो अधातु है। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से जो कार्बन के अवरूप हैं उनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। उसके बाद हमने बात करी धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, जहां हमने जाना कि धातुओं का वायु में दहन करने से धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। इनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप एनसीईआरटी बुक का धातु एवं अधातु वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं के अन्य रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। धन्यवाद।